गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ाया था। 1, 2, 3 मैंने बताए थे, फोर्थ नंबर आपके लिए होमवर्क था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आप आ जाइए बुक के पेज नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 5, मनु मिक्सेस 100 मिलीलीटर ऑफ कर्ड एंड 150 मिलीलीटर ऑफ वाटर टू मेक 1 ग्लास ऑफ लस्सी। हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ लस्सी कैन ही मेक विथ 3 लीटर ऑफ कर्ड। मनु जो है 100 मिलीलीटर कर्ड एंड 150 मिलीलीटर वाटर को मिक्स कर रही है 1 ग्लास लस्सी को बनाने के लिए। तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ लस्सी कैन ही मेक विथ 3 लीटर ऑफ कर्ड। तो कितने ग्लास ऑफ लस्सी मनु बनाएगा 3 लीटर ऑफ कर्ड से, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, मतलब 100 मिलीलीटर कर्ड एंड 150 मिलीलीटर वाटर लग रहा है 1 ग्लास लस्सी को बनाने के लिए। तो 3 लीटर ऑफ कर्ड से टोटल कितनी लस्सी, कितने ग्लास ऑफ लस्सी बनेगी, हमें ये फाइंड करना है। चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपेसिटी क्या है 1 ग्लास की। 1 ग्लास की कैपेसिटी कितनी है बताइए जरा। हम कैपेसिटी ऑफ 1 ग्लास की कैपेसिटी कितनी है, मतलब 1 ग्लास में कितनी लस्सी आ रही है। 100 मिलीलीटर कर्ड प्लस 150 मिलीलीटर वाटर को मिला के 1 ग्लास लस्सी बन रही है। मींस इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1 ग्लास की कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो 100 प्लस 150 तो आ गया आपका 250 मिलीलीटर। ये है कैपेसिटी 1 ग्लास की। ठीक है, अब क्वांटिटी ऑफ कर्ड की क्वांटिटी कितनी है टोटल। क्वांटिटी ऑफ कर्ड की क्वांटिटी टोटल कितनी है, 3 लीटर कर्ड है। ये लीटर है, इसको हम मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो 3 × 1000 मिलीलीटर तो आ गया आपका 3000 मिलीलीटर आ गया। ठीक है, अब हम देखेंगे वाटर कितना लग रहा है। वाटर इन 100 मिलीलीटर कर्ड, 100 मिलीलीटर कर्ड में मतलब जब हम ले रहे हैं लस्सी को बनाने के लिए तो उसमें हम कितना वाटर डाल रहे थे, 150 मिलीलीटर। जब 100 मिलीलीटर कर्ड ले रहे हैं तो 150 मिलीलीटर वाटर ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर 1 मिलीलीटर कर्ड में हम कितना वाटर लेंगे, 150 × 100 मिलीलीटर और 3000 मिलीलीटर कर्ड में हम कितना वाटर डालेंगे लस्सी बनाने के लिए, 150 × 100 × 3000। 00 से 00 कैंसिल, 150 × 30 कितना आ जाएगा, 4500 मिलीलीटर। मींस जब हम 3000 मिलीलीटर कर्ड की लस्सी बनाएंगे तो उसमें हम 4500 मिलीलीटर वाटर डालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी लस्सी की बताइए। टोटल क्वांटिटी ऑफ लस्सी, अब बताइए टोटल क्वांटिटी ऑफ लस्सी कैसे फाइंड करेंगे। वाटर और कर्ड को मिला के लस्सी बन रही है तो वाटर और कर्ड जितना है उसको ऐड कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी ऑफ लस्सी मिल जाएगी। तो कर्ड कितना है हमारे पास, 3000 मिलीलीटर। वाटर कितना लेंगे, 4500 मिलीलीटर लेंगे। इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7500 मिलीलीटर। अब आपको फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस, वो हम फाइंड करते हैं। टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कैसे फाइंड करेंगे। 7500 जो है टोटल क्वांटिटी है जो लस्सी की, उसको हम डिवाइड करेंगे 1 ग्लास की कैपेसिटी से। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, बचा कितना, 15/100। देखिए 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 0 × 0 तो बचा 115/5। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 5 = 15, 0 = 30।
तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितने आ गए, 30 ग्लासेस। मतलब कितने ग्लासेस लगेंगे, 30 ग्लासेस। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कैपेसिटी निकालेंगे, वन ग्लास की कितनी है, ठीक है, टोटल क्वांटिटी कितनी है कार्ड की वो फाइंड कर लेंगे। उसके बाद वाटर, जब 100 मिली लीटर कार्ड में इतना वाटर डल रहा है तो 3000 मिली लीटर कार्ड में कितना वाटर डलेगा उसको हम फाइंड कर लेंगे यूनिटरी मेथड से। नेक्स्ट टोटल क्वांटिटी कितनी है लस्सी की, वाटर और कार्ड की जो क्वांटिटी है उसको ऐड कर देंगे तो टोटल लस्सी की क्वांटिटी मिल जाएगी। देन टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करने के लिए जो टोटल लस्सी की क्वांटिटी है उसको कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस मिल जाएंगे जो हैं 30 ग्लासेस, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए मेडिकल कंपनी हैड प्लान टू फिल 20 लीटर ऑफ कफ सिरप इनटू स्मॉल बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी 125 मिलीलीटर ईच। मींस एक मेडिकल कंपनी जो है उसने प्लान किया कि 20 लीटर कफ सिरप हम किस में फिल करेंगे, स्मॉल बॉटल्स में जिसकी कैपेसिटी होगी 125 मिलीलीटर ईच। मतलब हर बॉटल की कैपेसिटी होगी 125 मिलीलीटर। If they are now to fill the same quantity of syrup in bottles of capacity 100 milliliter each, how many more bottles would they require? अगर वो 20 लीटर ऑफ कप सिरप को सेम क्वांटिटी यानी 20 लीटर ऑफ कप सिरप को इसकी बजाय 100 मिलीलीटर ईच वाली ईच जिसकी कैपेसिटी होगी उस बॉटल में अगर फिल करेंगे तो हमें कितनी ज़्यादा बॉटल्स लगेंगी 20 लीटर ऑफ कप सिरप को बॉटल्स में फिल करने के लिए, ये हमें फाइन करना है। इससे हम देखिए कैसे फाइन करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ कप सिरप, क्वांटिटी कितनी है कप सिरप की, क्वांटिटी ऑफ कप सिरप कितनी है 20 लीटर। इसको हम मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1 लीटर में 1000 मिली लीटर तो 20 लीटर में 20 × 1000 मिली लीटर कितना आ जाएगा 20,000 मिली लीटर, ठीक है। अब देखिए कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट बॉटल, कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट ठीक है कितनी है कैपेसिटी ऑफ फर्स्ट बॉटल कितनी है 125 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखिए टोटल बॉटल्स कितनी लगेंगी, जब कैपेसिटी एक बॉटल की 125 मिलीलीटर है तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी लगेंगी वो हम फाइंड करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स क्या करेंगे, जो क्वांटिटी है कप सिरप की उसको वन बॉटल की कैपेसिटी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं, चलिए पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25, यहाँ 5 4 ज़ा 20 3 ज़ीरो बचेंगे 3 ज़ीरो, फिर 5 5 ज़ा 25 5 8 ज़ा 40 फिर 2 ज़ीरो बचेंगे, ठीक है। फिर 5 5 ज़ा 5 5 5 3 बचेगा 30 तो 5 से 30 और 0 बचेगा तो 0। तो टोटल कितनी बॉटल्स आ गई 160, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेकेंड बॉटल के लिए देखते हैं कितनी बॉटल्स हमें लगेंगी, ठीक है। अब देखेंगे कैपेसिटी ऑफ सेकेंड बॉटल, कैपेसिटी ऑफ सेकेंड बॉटल, सेकेंड बॉटल की कैपेसिटी कितनी थी 100 मिलीलीटर ईच थी, ठीक है। अब हम इसके फाइंड करेंगे, सेम स्टेप आप यहाँ लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी लगेंगी, उसके लिए हम टोटल जो क्वांटिटी थी जो आपकी सिरप की उसको हम डिवाइड करेंगे कैपेसिटी ऑफ सेकेंड बॉटल से। तो टोटल क्वांटिटी कितनी थी आपकी 20,000 मिलीलीटर डिवाइड बाय 100, 00 से 00 कैंसिल तो आ गया 200, ठीक है। याद रखिए मिलीलीटर में नहीं होगा क्योंकि बॉटल्स हैं तो 200 बॉटल्स हैं। पहले कितनी थी 160, पहले 160 बॉटल आई थी अब 200 आई हैं। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करेंगे, 200
200 में माइनस करेंगे 160, तो आपको मिलेगा 40 बॉटल्स। कितना मिलेगा? 40। मतलब उसे कितनी ज़्यादा बॉटल्स और मतलब लगेंगी? दे रिक्वायर 40 बॉटल्स, मतलब उन्हें 40 बॉटल्स ज़्यादा लगेंगी। दे वुड रिक्वायर 40 बॉटल्स। दे वुड रिक्वायर 40 बॉटल्स मोर, मतलब 40 बॉटल्स उसे उन्हें ज़्यादा लगेंगी भरने के लिए कफ सिरप को। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क है एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। आपको कोई डाउट हो तो बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, मिसेस ज्योति वॉक्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 50 मीटर डेली। इफ शी वॉक्स अराउंड द पार्क 5 times एवरी डे, फाइंड द डिस्टेंस इन किलोमीटर शी कवर्स इन 30 days। जो मिसेस ज्योति है वो एक स्क्वायर पार्क के चारों तरफ मतलब राउंड लगाती है स्क्वायर पार्क का, ठीक है, और स्क्वायर पार्क की साइड कितनी है? 50 मीटर। मिसेस ज्योति जो है एक स्क्वायर पार्क जो है जिसकी साइड 50 मीटर है उसके चारों तरफ वॉक करती है, ठीक है, डेली। अगर वो एक दिन में 5 times उस पार्क का राउंड लगाती है तो हमें ये फाइंड करना है कि 30 days में वो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए साइड क्या है स्क्वायर पार्क की। साइड ऑफ स्क्वायर पार्क कितनी दी है? 50 मीटर दी है। अब देखिए वन राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? वन राउंड में वो उतनी डिस्टेंस कवर करेगी जितना उस स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, तो वन राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर्ड होगी वो इक्वल होगी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क के इक्वल होगी। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क जब हम निकालेंगे कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का? 4 into side 4 into 50, तो आ गया आपका 200 meter। मतलब वन राउंड में वो 200 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखिए एक दिन में वो 5 times मतलब उसका चक्का लगा रही है, मतलब 5 राउंड लगा रही है, तो 5 राउंड में कितनी डिस्टेंस वो कवर करेगी? डिस्टेंस कवर्ड इन 5 राउंड्स कितना होगा? 5 into 200 मीन्स 1000 मीटर। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर की जगह हम यहाँ लिख देंगे 1 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए वन डे में कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है? जितनी 5 राउंड में हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 1 day इज इक्वल टू 1 किलोमीटर हो रही है। अब 30 days का हमें निकालना है, तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 30 days कितनी डिस्टेंस कवर होगी 30 days में? 30 into 1 किलोमीटर करेंगे तो आ जाएगा 30 किलोमीटर, मीन्स 30 days में वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, साइड लिखी स्क्वायर पार्क की 50 मीटर, ठीक। अब देखिए वो उस स्क्वायर पार्क का एक दिन में 5 राउंड लगा रही है, तो पहले हमको 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर की वो फाइंड करना पड़ेगा, और 1 राउंड की डिस्टेंस कितनी कवर की वो फाइंड करने के लिए हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे स्क्वायर पार्क का। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 4 into side 50 into 4 यानी 200 मीटर। अब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि 5 राउंड में कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, उसके लिए क्या करेंगे, जो 1 राउंड की वैल्यू है 200 उसको हम इंटू करेंगे 5 से, तो आ गया 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर, ठीक। फिर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 day जितनी 5 राउंड में कवर हो रही है, डिस्टेंस वही 1 day में हो रही है, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 5 राउंड लगा रही है वो, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस कवर्ड इन 1 day कितनी है? 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 30 days इक्वल टू 30 किलोमीटर। ये आपका सॉल्यूशन हो गया।
और क्वेश्चन नंबर 7 और 9 आपके लिए होमवर्क है। मैंने 5, 6 और 8 आपको बता दिए हैं। जो भी डाउट हो, जो आपको ना बने, वो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है।